वहां तक कौन पहुंचेगा? जो चलेगा, जो अपना मार्ग खोजेगा, जो पुराने मार्गों पर संदेह करेगा, परमात्मा को वही खोज पाएगा। जो मूर्ति वाले परमात्मा पर संदेह करेगा, वही सत्य वाले परमात्मा को पा पाएगा। तुमने सुन भी रखा होगा कि खोजने से तो परमात्मा भी मिल जाता है। बिल्कुल ही सत्य है, खोजने से मिल ही जाता है, लेकिन उसे ही तो मिलता है जो खोजता है, जो बिना खोजे विश्वास करके बैठ जाता है उसे नहीं मिलता। बिना खोजे विश्वास होता है। और तुम्हारे सारे वस्त्रों को पहनने वाले लोग, स्वांग बनाए लोग, वो विश्वास की उंगली थामे तो बैठे हैं, लेकिन इस विश्वास का क्या लाभ? कोई भी लाभ है क्या? तुम अंधे को समझाओ कि एक आग का गोला है जो बिल्कुल दिन में चमकता है, जिसके कारण दिन दिन दिखता है, जो पेड़ पौधों को जीवन देता है, जो सभी को जीवन देता है, वो रोज समय पर निकलता है और शाम को समय पर छिप जाता है। अगर इस वक्तव्य पर अंधा विश्वास भी कर ले तो क्या लाभ? उसे कभी वो गोला दिखाई देगा नहीं, उसके अनुभव में कभी आएगा नहीं। और ना तो अंधे को लाभ और ना ही अंधे के विश्वास के कारण तुम्हें लाभ। बिल्कुल यही तो तुम्हारे धार्मिक कहे जाने वाले महात्मा कर रहे हैं। अंधों में और ऐसे धार्मिकों में कुछ भी तो ज्यादा भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही आंखें बंद कर विश्वास कर बैठ गए हैं। ऐसे विश्वास से ना धर्म मिलता है, ना खुदा, ना परमात्मा, ना जीवन आंखें खोलने से मिलता है। उठो, जागो और स्वयं के दर्शन करो।